चीन के सोयाबीन के आयात में गिरावट देखने को मिली है। चीन में 2021 में 2020 के मुकाबले सोयाबीन के आयात में गिरावट देखने को मिली है। चीन के पशुधन क्षेत्र से सोयाबीन की डिमांड में कमी देखने को मिली, जिससे 2021 में चीन का सोयाबीन का आयात घटा है। चीन, जो कि विश्व में सबसे बड़ा सोयाबीन का खरीदार है, चीन ने 2021 में लगभग 96.52 मिलियन टन तिलहनों का आयात किया है, जो कि 2020 के 100.33 मिलियन टन के मुकाबले 3.8% कम है। दिसंबर 2021 में चीन ने 8.87 मिलियन टन सोयाबीन आयात किया था, जो कि नवंबर 2021 में किए गए सोयाबीन के आयात 8.57 मिलियन टन से लगभग 3.5% अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।